नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ कि RO मोटर, जो हमारा RO फिल्टर मोटर फिल्टर होता है, ठीक है, उसका जो मोटर होता है वो जब ख़राब हो जाती है, मतलब आपका ये पंप ख़राब हो जाता है, उसमें डायफ्राम पंप होता है, जब काम ना करने की स्थिति में वो हो जाता है, तब उसको क्या करते हैं लोग, उसको फेंक देते हैं, ठीक है, या भंगाड़ में बेच देते हैं। लेकिन मैं उसी RO मोटर को मैं आज यूज करके बताऊंगा, यूज कैसा करूंगा वो चीज़ भी मैं बताऊंगा दोस्तों। इसमें दरअसल मैंने आपने भी YouTube पे बहुत सारा ऐसा वीडियोस देखा होगा जिसमें क्या होता है कि ये जो मोटर है, देख लीजिए, ये RO मोटर है, इसका जो है 12 वोल्ट पे बैटरी पे लगाने के बाद इसका जो स्पीड है बहुत स्लो होता है दोस्तों। और इसका स्पीड बढ़ाने के लिए YouTube पे ना जाने कितने वीडियोज़ मिल जाएंगे आपको कि इसका आपको रिवाइंडिंग दोबारा करना पड़ेगा, आप थोड़ा वायर निकालिए, दूसरा पतला वायर लगाइए, इसका रिवाइंडिंग कीजिए फिर से, तब जाके इसका स्पीड बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों आज मैं 12 वोल्ट की बैटरी पे इसका स्पीड में 2000 RPM तक का बढ़ा के दिखाऊंगा। वीडियो पे बने रहें, साथ ही मैं आपको इसका एक पंखा भी बना के बताऊँगा, टेबल फ़ैन जो घर का रेगुलर में यूज करने के काम में आ जाएगा, आपको बिना पैसा खर्चे वैसे लेने जाएंगे टेबल फ़ैन तो आपको कम से कम 1500 से 2000 रुपये लग जाएंगे, अच्छा कंपनी का लेंगे तो मैं आज आपको इस मोटर से स्पीड भी बढ़ा के बताऊंगा और इस मोटर से मैं आपको फ़ैन भी बना के दिखाऊंगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसको स्पीड बढ़ाना है, इसका वायर का बदले रिवाइंडिंग किए बिना ही, इसका रिवाइंडिंग फिर से किए बिना ही इसका स्पीड में बढ़ा के बताऊंगा और इसका साथ ही साथ एक फ़ैन भी बना के बताऊंगा कि कैसे काम करता है, ये कैसे फ़ैन बन सकता है। तो चलिए आइए देखते हैं दोस्तों। देखिए ये है हमारा RO मोटर, आगे का जो डायफ्राम का ये पूरा ये सिस्टम लगा रहता है, मैंने इससे निकाल दिया है, खोल दिया है, इसको फेंक दिया है निकाल के। अब जो है इसके अंदर से ये पुल्ली निकला हुआ है, देख लीजिए ये मोटर है। और इसके पीछे हमने क्या किया है दोस्तों, ये है यहाँ पे डायोड लगा दिया है 6 एम्पियर का स्टार बना करके। इसका स्टार बनाने के लिए अगर आपको नहीं आता है तो फिर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसका स्टार भी बना के दिखा दूँगा। इसमें कुछ नहीं होता है दोस्तों, इसमें जो है आपको एक साइड में सफ़ेद सफ़ेद पट्टी होती है और दूसरे साइड में पूरा ब्लैक होता है डायोड में, तो सफ़ेद पट्टी को दो को एक साथ में मिला देना है और इधर दूसरे को काले पट्टी में दोनों साइड में मिला देना है और फिर आपस में इसको क्या करना है, इसमें जोड़ देना है, ठीक है, काले को सफ़ेद में और काले को सफ़ेद में, और बीच में इस यहाँ से देख लीजिए कनेक्शन दे दिया है, यानी आपको डायोड का स्टार बनाना है। इसका अगर आपको डिटेल चाहिए तो मैं दूसरा वीडियो बना दूँगा। तो मैंने यहाँ पर डायोड का स्टार बना के लगा दिया है और ये दो इधर से निकल गया है, दो इधर से निकल गया है। वैसे इसको नहीं भी लगाएंगे तो भी जो है ना आपका बैटरी पे ऐसे चलाने के बाद स्पीड नहीं बढ़ेगा, आप ये मत समझिएगा कि इसी से स्पीड बढ़ेगा, इसी से स्पीड नहीं बढ़ेगा दोस्तों। स्पीड कैसे बढ़ेगा आप वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए वीडियो में बताते हैं कि देख लीजिए ये 12 वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट की बैटरी में मैं इसे डायरेक्ट लगाता हूँ, बहुत स्लो घूमता है, इसको मैं दिखाऊंगा। ये पंखा लगा करके देख लीजिए, ये पंखा बनाने के लिए आपको मार्केट से 30-40 रुपये में मिल जाता है, तो मैं इस करने वाला हूँ, इस पर मैं सेट करने वाला हूँ दोस्तों। ये लकड़े का है फिलहाल के लिए, अगर आप चाहे तो इससे अच्छा स्टैंडर्ड रूप में इसका स्टैंड ले सकते हैं और बना सकते हैं, मैं तो फिलहाल इसी में आपको मैं बना के बताऊँगा, इसमें पंखा बना के बताऊँगा। तो मैं यहाँ पर इसको रख देता हूँ, यहाँ पर रख के इसको थोड़ा ट्रायल के लिए यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको स्पीड दिखाता हूँ कि बैटरी से कैसे घूमता है, कितना स्पीड घूमता है। इसको टाइट कर देता हूँ, देखिए ये हमने यहाँ पे रख दिया है, ठीक है, और ये दो वायर दिख रहे हैं, ये दो वायर जो है डायरेक्ट बैटरी में इसमें लगाते हैं दोस्तों। घर पे आप ऐसा ट्राई नहीं करें, जो जानकार आदमी है वही ट्राई करें, दूसरा इसको इस तरह से ना करें, नहीं तो चोट लग सकती है, नुकसान हो सकता है, तो जब भी आप ये करें सावधानी से करें। हमारा जो है इसमें अंदाज़ा हमको है, अनुभव है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, तो आपको अगर अनुभव ना हो तो नहीं करें, आपका जो है ये नुकसान हो सकता है, चोट लग सकता है। तो देखिए मैं आपको इसको डायरेक्ट बैटरी से घुमा के दिखाता हूँ, इसका स्पीड देख रहे हैं बहुत ही स्लो घूम रहा है, देख लीजिए इसमें हवा भी नहीं ज़्यादा आ रहा है। तो मैं आपको इसका स्पीड बढ़ा के बताऊंगा, इसको निकाल देता हूं अभी फ़िलहाल दोस्तों, ताकि ज़्यादा स्पीड अगर घूमेगा
तो फिर इसको जो है इस मोटर को इसमें बांधना पड़ेगा, तभी आप इसको ज़्यादा स्पीड में घुमाना है, नहीं तो ये चोट लग जाएगा आपको। इसलिए मैं इसे निकाल देता हूँ और ऐसे ही मैं आपको दिखाता हूँ स्पीड, थोड़ा सा इसको टेस्ट कर लेता हूँ, फिर मैं इसको यहाँ पे लगा के फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि स्पीड कैसे बढ़ता है। तो चलिए, यह बैटरी है मेरा, इसमें मैंने डायरेक्ट लगाया था जो कि बहुत स्लो घूमता है, देख सकते हैं ये दिख रहा है। अब मैं इसको क्या करूंगा दोस्तों, ये है इन्वर्टर, स्पीड बढ़ाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि कैसे इसका स्पीड बढ़ाया जा सकता है। ये है इन्वर्टर, 200 वाट का इन्वर्टर है, घर पे बनाया हुआ है, और ये इसकी बैटरी है, यहाँ पे रख देते हैं, इसको हम इन्वर्टर में पावर दे देते हैं। इन्वर्टर से क्या होता है दोस्तों, ये डीसी का जो बैटरी का करंट है उसको एसी बना देगा, ठीक है, और यहाँ पे बता देते हैं। चलिए, इन्वर्टर में मैंने इसमें तार लगा दिया है, इन्वर्टर चालू हो गया है। अब जो है ना, आपको ये समझ में आ जाएगा दोस्तों, ये स्टार किस लिए लगाया है, डायोड का। ये डायोड का स्टार लगाने का मतलब है, मैं इधर से जैसे ही एसी करंट दूंगा, ये एसी करंट जाएगा और यहाँ से ये जो है ना, इसको डायरेक्ट करंट बना देगा, इसमें क्या कर देगा, ये डीसी बना देगा, और ये डीसी जो बनाएगा इसका वोल्टेज हाई रहेगा, मैं इसीलिए ये डायोड लगाया हूँ। देखिए यहाँ पर, अब मैं इसको डायरेक्ट लगाने जा रहा हूँ कि क्या होता है। घर पर ये सावधानी से ट्राई करेंगे दोस्तों, ऐसे नहीं करेंगे, एक मैंने लगा दिया है, दूसरा ऐसे मोटर को पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये ज़्यादा घूमने लगेगा। देखिए क्या स्पीड है इसका, आवाज़ भी सुन रहे होंगे दोस्तों, ये कैसा घूमने लगा है, अब काफ़ी स्पीड में घूमने लगा है। तो स्पीड बढ़ाने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है, बिना इसका वायर बदले। अब मैं इसका फ़ैन बना के बताता हूँ, पंखा बना के बताता हूँ। पंखा बनाने के लिए इसको मैं साइड कर देता हूँ और ये निकाल देता हूँ, तो ये होल है इसमें, यहाँ पे सेट कर देते हैं। चलिए मैं आपको सेट करके दिखाता हूँ जल्दी जल्दी। ₹40 में ख़रीद सकते हैं आप, अपने हिसाब से जो भी पंखुड़िया लगाना है वो ले ख़रीद सकते हैं इस साइज़ का, ठीक है, मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगा किसी भी दुकान पे, किसी इलेक्ट्रॉनिक दुकान पे। अब इसको इसमें लगा देते हैं, यहाँ पे एक ये कटा हुआ है और इसका बोल्ट जो है यहाँ पे टाइट करेंगे। लेकिन दोस्तों ये जो है पूरा खुला हुआ रहेगा, इससे जो है ना बच्चों को दूर रखना है आपको। अगर आपको सेफ्टी, ये चारों साइड जो ये मिलता है, ये अगर आपको मिल जाता है कोई पुराने पंखे में, आप इसको सेट करना चाहते हैं तो उसमें अच्छा रहेगा। ये डायरेक्ट इसको ओपन करके घुमाएंगे अभी हम, और ये पंखा सेट हो गया है, अभी हम इसको डायरेक्ट बैटरी पे घुमा के दिखा देते हैं एक बार फिर से, स्पीड क्या है इसका, देख सकते हैं बहुत ही कम स्पीड में घूम रहा है, देख सकते हैं। और इसको इधर घुमा देते हैं, इसको इधर ला लेते हैं, देखिए ये अब मैं इसमें लगाने जा रहा हूँ, इसका स्पीड जो है काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। एक वायर लगा करके जो है दूसरा इसको पकड़ लेता हूँ एक हाथ से, और एक हाथ से ये खोल के रखा हूँ, दूसरे हाथ से मैं इसमें घुसाता हूँ, देख सकते हैं ये काफ़ी स्पीड में घूमने लगा है दोस्तों। और इसका हवा भी बहुत ज़्यादा तेज़ है, देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पीड हो गया इसका, फैन इतना ज़्यादा घूमने लगा है कि जो है आपको मार्केट में लेने जाएंगे फैन तो उससे भी ज़्यादा हवा ये देता है। देखिए कैसे उड़ा देता है आगे,
इतना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ गया है इसका। तो आपने देखा दोस्तों, ये ट्रिक से आप जो है इस मोटर को यूज में ला सकते हैं, पंखा बना सकते हैं घर पे। इसको बस शर्त है आपको जो है थोड़ा ये सेफ्टी वाला जो वो जाली होता है, वो जाली में इसको बंद करके रखें, नहीं तो बच्चों को इसे है ना दूर रखना पड़ेगा, इससे नुकसान हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो आपको इस चीज़ का पूरा ख्याल रखना है, और इस तरह का पंखा जब भी बनाएं आपको पूरा सेफ्टी वाला जाली जो है वो लगा के बनाना है। ये बस मैं आपको आइडिया बताने के लिए, दिखाने के लिए मैंने बना के बताया है। और दोस्तों, इसको डायरेक्ट बिजली पर नहीं लगाएं, डायरेक्ट बिजली पर डायरेक्ट लगाने पे ये जो है पूरा स्पीड में हो जाएगा और ये मोटर जल सकता है और एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो डायरेक्ट बिजली पे इसको नहीं लगाना है। डायरेक्ट बिजली पे अगर लगाएंगे तो आपको एक स्टेबलाइजर लेना पड़ेगा, स्टेबलाइजर से कम वोल्टेज देना पड़ेगा आपको एसी में, चूँकि ये जो है इन्वर्टर है। इधर दिखाओ, ये दिख रहा है। तो ये हमने इन्वर्टर पर इसलिए ट्राई किया दोस्तों कि इन्वर्टर में जो है एसी जो है ना कम देता है, कम एसी आता है। इसको डायरेक्ट एसी पे वो जो घर का जो करंट आता है उस पर डायरेक्ट लगाएंगे तो ये जो है बहुत ज़्यादा स्पीड में घूमने लगेगा और ये जल सकता है। तो डायरेक्ट इसको बिजली में नहीं चलाना है। डायरेक्ट बिजली में चलाने के लिए आपको एक स्टेबलाइजर लगाना पड़ेगा। स्टेबलाइजर से जो है आपको 240 या 230 वोल्ट आता है, तो उसमें आपको स्टेबलाइजर से कंट्रोल कर लेना है, 150-160-170 रखना है, उसके बाद इसको लगा देना है, तब जाके ये जो है ना ये बहुत बढ़िया घूमेगा, ठीक है। वैसे इसमें वोल्ट उतना ही देता है, 200 वोल्ट ही देता है, 240 ही देता है, बट इसका जो पावर है ना कम होता है, वोल्टेज इसका कम है, इसलिए इसको डायरेक्ट लगा सकते हैं। वोल्टेज ये छोटी बैटरी भी है, एम्पियर इसका कम है, तो वो वोल्ट भी इसका कम बनता है। अगर इसको भी इस इन्वर्टर से भी बड़ी बैटरी जोड़ देंगे तो ये अगर डायरेक्ट घुमाएंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा स्पीड घूमेगा, इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो अब जब भी इसको ऐसे बिजली पर ही चलाना है, इसको बैटरी पर चलाना है, तो फिर तो बैटरी पर भी ये डायरेक्ट आराम से चल जाएगा, बस शर्त है आपको इन्वर्टर छोटा लगाना पड़ेगा, 200-150 वाट का। बड़ा इन्वर्टर रहेगा तो उसमें काफ़ी सारा स्पीड हो जाएगा इसमें, तो इसका स्पीड कंट्रोल करने के लिए आपको जो है स्टेबलाइजर लगाना पड़ेगा, ताकि उधर से एसी वाला वोल्टेज जो है थोड़ा कम आए, 200 से कम रखना पड़ेगा आपको, तब जाके ये बढ़िया से घूमेगा। तो मैं आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं तो डायरेक्ट इसको एसी पर भी लगा के, घर के जो बिजली आता है उस पर भी लगा के बताऊँगा, चला के बताऊंगा। इसको भी आप चला सकते हैं आराम से, कैसे चलाएंगे आप लोग वीडियो में मैं आपको बना के बता दूंगा, कमेंट करेंगे तो बना दूंगा वीडियो। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपका स्पीड बढ़ाने का जो तरकीब है वो आपको समझ में आ गया होगा, और आपके पास अगर ये इस तरह का आरो मोटर है या नहीं है, आप बनाना चाहते हैं, तो कहीं से भी ये पुराना 45 रुपये में लेकर के आप इस तरह से बना सकते हैं, इसको यूज़ में ला सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।